आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। अगर आप भी एक बुजुर्ग हैं तो एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से 31 जुलाई तक वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त भेजने वाली है। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में 52 लाख बुजुर्गों के खाते में वृद्धावस्था की पेंशन मिलती है, लेकिन 15 जून तक सिर्फ 20 लाख लोगों के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तकनीकी खराबी के कारण अभी तक 32 लाख बुजुर्गों के खाते में पैसे नहीं मिले हैं। अब समाज कल्याण विभाग के तरफ से दावा किया जा रहा है कि बाकी बचे हुए 32 लाख बुजुर्ग लाभार्थी को पेंशन की पहली किस्त इसी महीने के अंत तक भेज दिया जाएगा। उन्हें ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत अब नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 32 लाख बुजुर्गों के वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त अभी तक नहीं मिली है। उनके लिए CDO ऑफिस में एक विशेष इंतजाम किया गया है। अब तक आधार कार्ड वेरिफिकेशन और बैंक से NPCI अकाउंट को NPCI के पोर्टल पर लिंक करने में कोई दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से वृद्धा पेंशन कार्यक्रम ट्रांसफर नहीं हो पाया था। अब समाज कल्याण विभाग की तरफ से 32 लाख लाभार्थियों को 31 जुलाई तक पहली किस्त भेजी जा सकती है। बुजुर्ग लाभार्थियों को मिलेंगे 3,000 रुपए। 15 जून को वृद्ध पेंशन की पहली किस्त के तहत 33,000 भेजे जाने थे, लेकिन ज्यादातर बैंक अकाउंट के NPCI पोर्टल पर लिंक नहीं होने के कारण 32 लाख भारतीयों को पेंशन के रकम नहीं दिया गया। इस वजह से केला भारतीय समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में लगातार चक्कर काट रहे थे, लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर है और बचे हुए लाभार्थियों को अगले एक सप्ताह में वृद्धा पेंशन का पैसा सीधे उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा।